हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल शोबन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाला हूं जो समस्या हर उस व्यक्ति को होती है जो एलईडी बल्ब रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करता है। दोस्तों, वो समस्या है ये जो हमारे बल्ब होता है उसका B22 कैप का ओपन नहीं हो पाना। दोस्तों, कभी कभी हमारी कैप बहुत मुश्किल से ओपन होती है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हम इस B22 कैप को बड़े ही आसानी से किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो सबसे पहले पहुँचे आप लोगों के पास। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, आज दोस्तों ना हम इस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको भी साइड रखते हैं, ना ही हम पेचकश का उपयोग करने वाले हैं, और ना ही हम प्लास का और ना ही कोई चिमटे का उपयोग करने वाले हैं। दोस्तों, हम इसको रखते हैं साइड। तो दोस्तों, आज हम जिस चीज़ का उपयोग करेंगे वो है ये। आप देख पा रहे होंगे ये एक पीवीसी का पाइप है, ठीक है, जो बहुत मजबूत है। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही मजबूत है, और जो इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, ये देखिए ये इसकी थिकनेस है, थिकनेस भी इसकी काफ़ी है और काफ़ी मजबूत है। तो दोस्तों, आज आप जानेंगे कि पाइप से हम किस प्रकार से अपने B22 कैप को खोल सकते हैं। दोस्तों, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, चाहे वो कितने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से पंच किया गया हो, आप इससे उसको आराम से खोल सकते हैं। दोस्तों, मैंने तो यहाँ पर पीवीसी का पाइप ले रखा है, लेकिन आपके पास अगर कोई लोहे का पाइप है तो वो इससे बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, जो इसकी गोलाई है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें जो हमारे कैप है ये इस तरह से यहाँ तक फिट आ जानी चाहिए, आप देख सकते हैं। इसको खोलने के लिए दोस्तों सिंपल सा हम अपने इस बल्ब को इसके अंदर डाल लेंगे, बल्ब पूरा आ गया, ठीक है। और अब हम इसको इस तरह से नीचे को दबाएंगे और ये हमारा खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, जब हम नीचे को दबाव देते हैं इस तरीके से, तो हमारे पिन यहाँ नहीं होनी चाहिए ऊपर की साइड, ये हमारे होनी चाहिए इस तरह से साइड में। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे पिन टूटेंगे नहीं, ठीक है। अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये पूरा जो दबाव है वो इन पिनों में आएगा और ये पिन टूट भी सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको रखेंगे इस तरह से साइड में, ठीक है, साइड में रख के इसको पूरा अंदर डाल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, करना क्या है, हम सिंपल सा इसको नीचे को इस तरह से, ये देखिए दोस्तों, दबा देंगे। ये हमारा B22 कैप खुल गया, ठीक है। ये लोकल बल्ब नहीं है दोस्तों, ये सूर्या का बल्ब है, ये बहुत ही मजबूत हो रखा था। मैंने इसको पहले भी इस प्लास से खोलने की कोशिश करी थी, लेकिन ये खुला बिल्कुल नहीं था, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारे लोकल बल्ब होते हैं वो तो आराम से खुल जाते हैं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये आराम से खुल जाते हैं, ठीक है, आराम से, बिल्कुल आराम से, ठीक है। अब मैं ये देखिए, एक मेरे पास फिलिप्स कंपनी का बल्ब है, मैं इसको भी खोल के दिखाऊंगा, इसका भी बहुत मजबूती से पंच हो रखा है, ठीक है। तो इसको भी वही तरीका है, इसमें हम अंदर डालेंगे, ये देखिए फिट आ गया हमारा, जो हमारा B22 कैप है इसके अंदर फिट आ गया, ठीक है। अब हम इसको धीरे से थोड़ा तागा लगाते हुए नीचे को प्रेस कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों हो रहा, थोड़ा सा और इधर से, थोड़ा सा यहाँ से खोल लेते हैं, ठीक है, बहुत जोर लगाना पड़ रहा, ठीक है, लेकिन इससे आपका कैप भी नहीं टूटेगी और आपके बल्ब को भी कोई नुकसान नहीं होंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं यार, ये देखिए थोड़ा सा और, ये देखिए दोस्तों, तो कैप को खोलने का एक नया तरीका आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।